स्वीडन वाकया नाकाबले बर्दाश्त है, अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला न करे। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती की शदीद मजम्मत करते हैं। आज हम आलम इस्लाम के जज्बात के ऐवान से पूरी दुनिया में पैगाम पहुँचाएँगे। आज ना सिर्फ इसकी मजम्मत करें बल्कि हौस तजवीज़ करें कि मौसर अल्फाज में करारदाद मंजूर की जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम तकदीस कुरान मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पूरी कौम से भरपूर तरीके से शिरकत करने की अपील है। मुल्क भर में पुरअमन एहतजाजी जुलूस निकाले जाएंगे जिनमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान के 35 अज़ला में बलदियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। बलोचिस्तान बलदियाती इंतखाबात में BAP ने मैदान मार लिया, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब कर दिए गए। बलोचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। कारगिल के महाज पर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 24वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से हवलदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हवलदार लालक जान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मेशर सरमायाकारी तजारत में इजाफे का ख्वाहा है। अमेरिका के 247वें यौम आज़ादी के मौके पर अमरीकी सफारतखाने की जानिब से शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खसूस शिरकत की। और महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर और सिंध मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, दादू, जामशोरू, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, ठट्ठा, सजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।